नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार और स्वागत है आपका पार्ट नंबर 4 में विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस के। ये विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस के मैं लगातार पार्ट बना रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे विंडो फॉर्म बनाते हैं, कैसे उसमें नेविगेट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म में हमने डेटाबेस क्रिएट करना देखा, टेबल क्रिएट करना देखा और टेबल में हमने डेटा डाला SQL में। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने क्या देखा था कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं app.config फाइल में। और अब ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि विंडो फॉर्म एप्लीकेशन से हम SQL में डेटाबेस में अपनी जो टेबल हमने बना रखी है वहां डेटा कैसे पहुंचाएंगे विंडो फॉर्म एप्लीकेशन से। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसके बगल में एक घंटा होगा उसे बजा दें अच्छा लगता है। और चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो में देखिए app.config में हमने एक कनेक्शन बनाया है। जिन्होंने भी ना देखा हो पिछला पार्ट जरूर देख लें। एक कनेक्शन बनाया है जिसमें डेटा सोर्स, सर्वर का नाम डॉट यानी हमारा लोकल सर्वर, उसके बाद ये डेटाबेस का नाम है और हमने कनेक्शन जो हमारी सिक्योरिटी है उसको ट्रू कर रखा है और हमारा प्रोवाइडर नेम है SQL क्लाइंट जो दे रखा है हमने। उसके बाद अब हम क्या करना है कि जो ये बटन है हमारा एड ट्रेनी, इस बटन पे हम डेटाबेस में वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं अलग से। ये हमारा एक फंक्शन हो गया और इस फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं उस बटन पे। ठीक है, इस फंक्शन में हम कोड लिखेंगे पूरा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा app.config में हमने कनेक्शन बना रखा है इस कनेक्शन को हमें यहां पर स्टेब्लिश करना होगा। उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास को यूज करते हैं डॉट, और वो कनेक्शन हम देते हैं जो हमने app.config में कनेक्शन का नाम दे रखा है, ये लीजिए, और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग एसेट। ये हमारा कनेक्शन, हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास की हेल्प से हम यहाँ पे कनेक्शन लेके आ गए हैं। ओपन करने से पहले हमें क्या करना है, SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब इस क्लास को क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग, तो वो हमारी कौन स्ट्रिंग में है कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इस कनेक्शन को हम ओपन करेंगे तो कौन डॉट ओपन भी लिख सकते हैं आप। ठीक, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा के चेक भी कर सकते हैं, जो हमारा कौन स्टेट चेक कर रहे हैं कि इसकी स्टेट क्या है। अगर ये ओपन नहीं है, मतलब कनेक्शन स्टेट ओपन अगर नहीं है तो ये क्या करें, उसको ओपन कर दे। सिंपल, ये हमारा कनेक्शन ओपन कर दिया हमने। कनेक्शन ओपन हो गया, बस अब हमें क्या देनी है, कमांड देनी है और उसके बाद डेटा एंटर करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा हमें, ये लीजिए। अब इस SQL कमांड क्लास में देखिए, इसमें कमांड का टेक्स्ट भी दे सकते हैं हम, का कमांड देना चाहते हैं, जो SQL की कमांड होती है ना SQL में, इंसर्ट, जैसे कि हमने इंसर्ट करना डेटा सीखा था, इंसर्ट इन टू टेबल नेम, वो यहीं पर दे सकते हैं हम। ऐसे करके हम इसमें कमांड का टेक्स्ट दे सकते हैं और यहाँ पर हम कनेक्शन का नाम दे सकते हैं जो कि हमारा कौन कनेक्शन का नाम है, कोई एरर नहीं, ऐसे करके हम कर सकते हैं। पर ये देखिए, यहाँ पे हम बहुत लंबा कमांड टेक्स्ट देना पड़ेगा क्योंकि हमें बहुत सारे जो हमारे ये चारों हमें फील्ड में डेटा स्टोर करना है, तो चारों फील्ड के नाम और बहुत सारे डबल कोट्स, और हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू चाहिए होंगी। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को हमें SQL में देना होगा, SQL वेरिएबल्स के नाम और कमांड, तो बहुत सारे हमें सिंगल कोट्स, डबल कोट, एस्केप करेक्टर्स हमें यूज करने पड़ेंगे, तो ये बहुत मैसी हो जाएगा, तो हम इसको अलग अलग करते हैं इनको। ठीक है, उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी है बहुत सारी। कमांड का हम टाइप देना चाहते हैं, देखिए हमारा कमांड का टाइप क्या है, कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। ये देखिए, कमांड टाइप हमारा स्टोर प्रोसीजर्स भी है, कमांड टाइप जो स्टोर प्रोसीजर्स है, यानी स्टोर प्रोसीजर बना के और उसके थ्रू भी हम डेटा एक्सेस, मतलब कि डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जब हम एक बार डेटा एंट्री पूरा देख लेंगे उसके बाद हम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू भी देखेंगे। अभी हम टेक्स्ट का कमांड यहीं पर टेक्स्ट देंगे, पूरा कमांड का टेक्स्ट, ये हमारा कमांड टेक्स्ट है। अब कमांड टेक्स्ट में हमें क्या देना है, पूरी कमांड SQL की कमांड हमें देनी है यहाँ पे, जो हम वहां लिखना चाह रहे थे। तो उसके लिए हमें क्या, जो हमारा SQL की जो कमांड होती है, इंसर्ट इन टू टेबल का नाम, और टेबल का नाम हमारा कहाँ है, SQL में हम देखेंगे हमारे डेटाबेसेस हैं, और डेटाबेसेस में हमारा ट्रेनी डिटेल नाम का डेटाबेस है और इसके अंदर एक टेबल है जिसका नाम है ट्रेन इन्फो, सेम बिल्कुल नाम हमने डाल दिया ट्रेन इन्फो। ठीक है ना, ये टेबल का नाम हो गया। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज डालनी है, हम यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, और
यहां वैल्यूज डालेंगे। तो मैं इसको मैसी नहीं बना रहा हूं, इसका एक और तरीका, एक और मैसी कम करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, हम यहां पे वेरिएबल्स बना दें हम एसक्यूएल के लिए। ये देखिए नंबर जो हमारे वहां पे फील्ड है, वेरिएबल्स बना देते हैं यहां पे, रैंक, नेम और यूनिट, ये हमारे चार फील्ड हैं, ठीक है, जिनमें हमें डेटा स्टोर करना है। तो ये सारे मैंने वेरिएबल्स बना दिए। अब यहीं पे मैं इन वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं डाल रहा टेक्स्ट बॉक्स से, टेक्स्ट बॉक्स नंबर, टेक्स्ट बॉक्स ए, तो इनकी वैल्यूज मैं अलग अलग डाल रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बस जैसे कि हम कमांड की प्रॉपर्टीज बहुत सारी यूज कर रहे हैं, और एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरामीटर नाम की, ठीक है। पैरामीटर्स डॉट एड मेथड होता है, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारा, ठीक है, एसक्यूएल पैरामीटर का, ठीक है, और इस इसके अंदर हम कमांड देंगे, ठीक है। अब जो हमने ये वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, इस वेरिएबल में हमें वैल्यू डालनी है, तो एट द रेट नंबर ए वेरिएबल आ गया हमारा। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम आउट, जूम इन कर देता हूँ इसको, अब वो और क्लियर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करना है, टेक्स्ट नंबर डॉट टेक्स्ट, ये लीजिए, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मैं इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ, और वो चली जाएगी मेरी कहाँ, वैल्यूज में, सिंपल। अगर आप अभी सभी कनेक्शंस और सभी चीज़ों, सभी फील्ड के नाम, टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम अगर बहुत एप्रोप्रिएट रखते हैं, तो देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है, आपको याद नहीं करने पड़ते हैं, आप बस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, F4 दबाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। देखिए मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दे रखा है, टेक्स्ट नंबर, जिससे कि पता लग जाए नंबर का। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दे रखा है मैंने, टेक्स्ट रैंक, ठीक है। तो इन्हीं को मैं वहां एक्सेस कर रहा हूं, इसलिए मुझे याद हो गए हैं कि मैंने जिन जिन जो वैल्यूज मुझे डालनी है उसी नाम से मैंने टेक्स्ट बॉक्स के नाम दे रखे हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी वैल्यूज पॉपुलेट कर देता हूं इन एसक्यूएल के वेरिएबल्स में। चार वैल्यूज आएंगी हमारी, ये लीजिए, और बस बहुत आसानी से मैं नंबर, रैंक, नेम और यूनिट, और इनके नाम भी मेरे को बिल्कुल मैंने एप्रोप्रिएट लिख रखे हैं, इसलिए मुझे याद नहीं करने पड़ेंगे, वहां जाके कॉपी पेस्ट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। टैक्स नंबर, रैंक, नेम, अब एकदम सिंपल सा कोड है। देखिए कनेक्शन को मैंने एस्टेब्लिश किया, कनेक्शन को ओपन किया कंडीशन लगा के, और कमांड दे रहा हूं। कमांड के मैंने सारी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अलग अलग सेट किया है। कमांड किस टाइप की है, टेक्स्ट टाइप की। कमांड का टेक्स्ट क्या है, ये। अब इनकी वैल्यूज मैं अलग अलग पैरामीटर के थ्रू स्टोर कर रहा हूं, ये यहां भी कर सकता था मैं, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज इसीलिए सेट की हुई है कि आप बहुत आसानी से अलग अलग लाइंस में कोड कर सकें। बस उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा, और जो हमारा कनेक्शन है इसको आप जरूर क्लोज करें, जिससे क्या होगा, सिक्योरिटी इशू भी रहे, मतलब कि आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका ओपन कनेक्शन रहेगा तो कोई दूसरा यूज कर सकता है, हैक कर सकता है, और आपका करप्ट भी हो सकता है डेटा। तो आप ऐसे क्लोज कर दें, जैसे ही हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि जब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद एक मैसेज आए, मैसेज बॉक्स नाम का मेरा एक क्लास है, इसका मैसेज शो कर रहा हूं मैं, और इसमें क्या मैसेज आए, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसको मैं देखिए क्या कर सकता हूं, इसको अगर एरर्स को मुझे हैंडल करना है तो मैं ट्राई कैच ब्लॉक भी यूज कर सकता हूँ। ये मेरा जो पूरा कोड है इसको ट्राई ब्लॉक में डाल देता हूँ मैं, जिससे कि अगर कोई एरर आती है तो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक है मेरा सी शार्प में, ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है जो सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन से पहले आप सी शार्प का आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो आप मेरे ट्यूटोरियल से सीख सकते हैं। कैच ब्लॉक आप यूज करेंगे, और एक्सेप्शन क्लास हमारी मदर क्लास है जो सारी एक्सेप्शंस की, ये एक्सेप्शन क्लास क्या करेगी, अगर ऊपर ट्राई में कोई भी मैसेज आता है, कोई भी एरर आती है, ये डेटा इंसर्ट नहीं होता है, और ट्राई ब्लॉक में इस पूरे ब्लॉक में कोई एरर आती है, तो कैच एक्सेप्शन क्लास उसको कैच कर लेगी एरर को, और उसका मैसेज यानी जो भी एरर आई है उसका मैसेज ये शो कर देगी। आराम से इसको आप समझ लीजिए, देखिए ट्राई ब्लॉक लगाया है मैंने, सारा कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया है, कोई इशू नहीं है कनेक्शन के बारे में, आप पिछला मेरा वीडियो देख सकते हैं। एसक्यूएल कमांड के थ्रू मैंने सारी कमांड दी है, कमांड टाइप बताया है, और कमांड का कनेक्शन नहीं बताया, ठीक है। कमांड डॉट
कनेक्शन, कनेक्शन भी तो देना पड़ेगा ना कमांड को, कमांड को कैसे पता लगेगा कि कौन सा कनेक्शन है। तो सीएमडी को हमने कनेक्शन भी बता दिया, ये लीजिए। तो ए हो गया हमारा सीएमडी को, ये सारा एकदम लिंकअप हो गया सारा, कनेक्शन बना दिया, कनेक्शन को ओपन कर दिया कंडीशन पे, और एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बना दिया, कमांड को कनेक्शन दे दिया, कमांड को टेक्स्ट बता दिया, और कमांड को हमने बता दिया कि क्या टेक्स्ट है हमारा, कम मतलब कि क्या हमारी क्वेरी है, ये पूरी क्वेरी लिख दी। और क्वेरी में भी हमने वेरिएबल यूज करे, और उन वेरिएबल्स में सारी वैल्यू यहाँ टेक्स्ट बॉक्सेस से पॉपुलेट कर दी, एग्जीक्यूट कर दिया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया, एक मैसेज शो कर दिया कि डेटा इंसर्ट हो जाए। और अगर ये डेटा इंसर्ट ना हो तो कैच ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडल करे, एक्सेप्शन कैच करे कि क्या एक्सेप्शन है, और उस मैसेज को शो कर दे। इस तरीके से हमारा ये पूरा कनेक्शन होता है, और एक कमांड होती है, और हमारा डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं। बस अब इसको रन कराते हैं, पूरा ऑल डन। ये लीजिए, ये लीजिए। अब मैं इसको, हमें क्या करना है, ऐड न्यू ट्रेनी वाला पेज है ये, हमारा नंबर डाल दिया, मैं क्या डालता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक, सेक्स, ओके। रैंक डाल दिया मैंने कैप्टन, और नेम डाल देता हूँ मैं गंगवार, ठीक है। यूनिट डाल दी मैंने 11 RR, ठीक है। और एड ट्रेनी, क्या आ रहा मैसेज, जो मैसेज वहां पे दिया था, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। तो चलते हैं डेटा देखते हैं, चल के डेटा इंसर्ट हो गया या नहीं। SQL में चलते हैं हम, ये लीजिए हमारा खुला पड़ा है SQL। ट्रेनी डेटा, ट्रेनी डिटेल जो डेटाबेस का नाम है वो यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक। हमें बस क्वेरी क्या लिखनी है, सिलेक्ट और एस्ट्रेस्क यानी ऑल कॉलम्स, जो हमारा टेबल का नाम है, और बस एग्जीक्यूट कर देना है। ये देखिए जो सबसे लास्ट जो डेटा मैंने डाला है, देखो 1 2 3 4 5 से कैप्टन दिलीप एमजे गंगवार, देखो सी छोटी डाल दी थी, और 11 RR, ठीक। तो इस तरीके से डेटा हमारा इंसर्ट होता है। हमने क्या क्या करा, कनेक्शन बनाया एप डॉट कॉन्फिग में, कमांड हमने सीखी कमांड कैसे देनी है अपन को, एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखनी है, और एंटर करा डेटा, और बस एंटर हमने जाके एसक्यूएल में चेक कर लिया कि डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है। इस पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से हमने कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया है, कनेक्शन ओपन किया है, और कमांड को मैंने बिल्कुल अलग अलग पैरामीटर के थ्रू दिया है। ये सब कुछ यहाँ दे सकते थे एक जगह, मगर इसको अलग अलग इसलिए दिया है जिससे ये सब कुछ लिटरली यहाँ पे सब कुछ इतना इतना आप यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे पैरामीटर्स दे सकते थे। थ्री ओवरलोडेड मेथड इसको सपोर्ट करता है, पर वो बहुत मैसी हो जाता है, दो दो तीन तीन लाइन में यही यहीं पे चलता रहता। इसको अलग अलग पैरामीटर्स में दिया है जिससे एकदम सिंपल हो जाए। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा हो, देखिए कनेक्शन से हमने कनेक्शन को कमांड को लिंकअप किया है, उसके बाद हमने जो क्वेरी लिखी है उस क्वेरी में हमने वेरिएबल्स बना दिए, किसके एसक्यूएल, जो SQL लैंग्वेज के वेरिएबल बना दिए, और उन वेरिएबल्स में हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को पॉपुलेट किया, कनेक्शन को क्लोज किया, एक मैसेज शो कर दिया। ये कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, और जो भी इशू हो प्लीज़ कमेंट करें, कोई भी समस्या आए मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 4th, हमने कैसे SQL में डेटा इंसर्ट करना सीखा है। आप पूरे पार्ट पिछले देखें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो बनाना चाहते हैं, और पूरा SQL से रिलेशन मैं इसमें बता रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा होगा तो ये 5th पार्ट होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये 5th पार्ट होगा, शो डेटा इन ग्रिड व्यू। हम कैसे जो हमने डेटा अभी SQL में देके देखा था, और अब उस डेटा को जो SQL में एंटर्ड डेटा है ऑलरेडी, उसे हम कैसे अपने ग्रिड व्यू पे अपने शो करेंगे अपने विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के पेज पे। तो थैंक यू गाइस, सी यू।